सर पर अपनी श्रद्धांजलि आदरांजलि। एक संकेत हम उनके उद्बोधन से करें। इन दिनों गोवर्धन पूजा के दिन से, ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन से नवमी तक के नौ दिन, गोपाष्टमी परसों है, तीन भाव नवरात्र के रूप में पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि गुप्त नवरात्रों के रूप में इनकी मान्यता थी। और इन्हें हमारे पूज्य पथमेड़ा महाराज और पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज और संतों ने एक गौ नवरात्रों की संज्ञा दी। और इन दिनों जरखोर में श्रीमद् भागवत कथा भी इस भाव से चल रही है। परसों ही हम वहाँ थे कथा में, और आज पूज्य महाराज श्री कथा को बीच में ही छोड़ करके वहाँ से यहाँ आए। उन क्षण करें उनका श्रद्धांजलि। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत्सावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूतभव्यस्य मातरं। सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, ऋषिमयी, तीर्थमयी भगवान की आराध्या, उपास्या, पूज्या गोमाता एवं उसके पवित्र वंश को सादर साष्टांग वंदन करते हुए मंचस्थ आदरणीय श्री भैया जी जोशी जी के सहित सभी पूज्य संतों को सादर अभिवादन करते हुए, सन्मुख विराजमान सभी गोभक्त राष्ट्रभक्त महानुभावों को भगवत भाव से वंदन करते हुए अपने भाव अति संक्षिप्त रूप में हम निवेदित कर रहे हैं। गोरक्षण के संबंध में अपने विचार सभी पूज्य मूर्धन्य संतों ने व्यक्त किए। नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषीय वेद, वेद भाष्य, इतिहास और पुराण, स्मृतियां एवं पूज्य संतों की पवित्र वाणियां और वर्तमान के वैदिक सदाचार संपन्न महात्माओं के सद्विचार, उनका ही अनुगमन अनुसरण यह दास करता है। इसलिए इन सब के विचार ही हमारे अपने विचार हैं, हमारा अपना कोई विचार नहीं है। अभी पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी, पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने गो नवरात्रि का उल्लेख किया। समुद्र मंथन से गाय का प्रादुर्भाव हुआ। प्रातःकाल की वेला में कार्तिक अमावस्या को भगवती सुरभि का प्राकट्य हुआ एवं प्रदोष वेला में ततश्चाग्रभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। गाय अग्रजा है और लक्ष्मी अनुजा है, इसलिए देश के विस्तृत भूभाग में आज भी दीपावली बलि के दिन प्रातःकाल गो पूजन और सायंकाल को भगवती लक्ष्मी पूजन होता है। और ठीक दीपावली के दूसरे दिन गोधन पूजा, गोवर्धन पूजा वस्तुतः गो संवर्धन की तिथि है और गोधन की ही पूजा उस दिन होती है। और फिर गोपाष्टमी है जिसमें वैदिक गो यात्रा का विधान भी हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो वस्तुतः कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ला नवमी अक्षय नवमी तक यह गो उपासना का ही अवसर है और ये हमारी कोई नई कल्पना नहीं है। ये शास्त्रों के समालोडन और उनके प्रमाण से ही दास ने ये निवेदन किया है, इसलिए हमारा अपना व्यक्तिगत विचार नहीं। शास्त्र सम्मत गो नवरात्रि है और इस गो नवरात्रि का आयोजन यदि संपूर्ण राष्ट्र में हो
तो हमारा ऐसा विचार है कि निश्चित ही गो सेवा और गो रक्षा की क्रांति इस देश में फिर से आ जाए। आज समग्र विश्व के सामने जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मूल कारण है रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि, सात्विकता की कमी, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि। आप सब पूज्य विज्ञ पुरुष हैं, व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। सात्विकता का कुंज, सात्विकता का आधार, सात्विकता का निलय, यदि इस ब्रह्मांड में कोई प्राणी है तो वह परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति पूज्या भगवती गोमाता है, जो हमारे जीवन में रजोगुण तमोगुण को मिटाती है और हमारे जीवन में सात्विकता का आह्वान करती है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था गो आधारित हो, हमारी चिकित्सा व्यवस्था गो आधारित हो, हमारी कृषि व्यवस्था गो आधारित हो, तो निश्चित इस देश में स्वर्णियों की फिर से वापसी आ जाएगी और यह देश विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। 1966 में जो आंदोलन हुआ था, हमारी तो आयु ऐसी नहीं है कि हम उसका आंखों देखा हाल बता सकें, लेकिन जिन पूज्य गुरुजनों का चरणाश्रय हमें प्राप्त हुआ वे उस संपूर्ण घटना के साक्षी थे। हमारे पूज्य गुरुदेव, उन्होंने भरतपुर और मथुरा दो जिलों का नेतृत्व 66 के आंदोलन में किया था। पहले वे जनसंघ से जुड़े रहे, संघ से जुड़े रहे और माननीय पूज्य श्री गुरु जी गोलवालकर जी भी हमारे महाराज जी के स्थान में गोवर्धन में 3 दिन निवास उन्होंने किया। बौद्धिकों में भी महाराज जी पधारते थे, तो महाराज जी की वाणी से हमने संपूर्ण उस घटनाक्रम को अनेकों बार सुना है। एक ही प्रतीक्षा पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को थी और है कि कब ऐसा सुविधन आएगा कि भारतीयता, राष्ट्रीयता, यही जिसका मूल मंत्र है, और भारतीयता, राष्ट्रीयता की सुरक्षा गोवंश की सुरक्षा के बिना संभव नहीं है, किस प्रकार की विचारधारा वाली सरकार बने। और इसके लिए संतों ने प्रयास भी किए, अनुष्ठान भी किए, सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की और भगवान के दरबार में प्रार्थना स्वीकार हुई, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। और अब हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि जिस आशा से, जिस प्रतीक्षा में हम लोग आज तक थे, वह प्रतीक्षा अब प्रतीक्षा न रह जाए, वो सार्थक हो, वो सफल हो और देश में गोवध निषेध का कानून बने, गो सेवा, गो रक्षा राजधर्म, राष्ट्रधर्म बने। हमारे पूज्य श्री स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज विराजमान हैं, आपकी वाणी से हमने अनेक बार सुना है महाभारत की वह पंक्ति, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना, सारे धर्म राजधर्म के आश्रित होकर के चलते हैं। जब शासक का धर्म गो रक्षा और गो सेवा होगी तो निश्चित प्रजा का वह धर्म बन जाएगा, यथा राजा तथा प्रजा। आज रविवार की सुविधा सबको प्राप्त हुई, इस सभा में सब लोग पधारे, सबका वंदन अभिनंदन है। और अभी पूज्य महाराज जी ने कहा कि 7 नवंबर की तिथि हम लोग इस घटना के बाद से लगातार मनाते चले आ रहे हैं, तो 7 नवंबर की तारीख को ध्यान में रख करके कल जंतर मंतर पर भी एक सभा है, पूज्य महाराज जी सभी संत वहाँ विराजमान होंगे और आप सबको भी सादर आमंत्रण है। यदि महाराज जी की अनुमति हो तो हम कोई कवि तो नहीं है, लेकिन 2-4 पंक्ति हमने लिखी है। ओ श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि है गो भक्त हुतात्मा, श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि है, गो भक्त हुतात्मा श्रद्धांजलि। यह अति पुनीत पावन अवसर है, राष्ट्र प्रणत तव पाद पद्म। पावन तिथि गोप अष्टमी थी, गोवध निषेध संकल्प लिए। सत्याग्रही साधु संत अनुगत, लाखों नर नारी उपस्थित थे। थे निरपराध सब शस्त्र शून्य, गो भक्ति में तन मन डूबे। निर्दयी कसाई शासक ने भक्तों पर गोली बरसाई। महिला बच्चे तक ना छोड़े, इस युग का काला दिन आया। गोरक्षा की बलि देवी पर सैकड़ों भक्त बलिदान हुए। शासक ने पाप छुपाने को सब साक्ष्य नष्ट षड्यंत्र रचा। सर्वेश्वर अंतर्यामी की दृष्टि से तुम ना बच पाए। जिस शासक ने यह पाप किया, उसका विनाश सबने देखा। जिस शासक ने यह पाप किया, उसका विनाश सबने देखा। उसका विनाश भी निश्चित है, गोवध को रोक न पाए जो। उसका विनाश भी निश्चित है, गोवध को रोक न पाए जो। जिससे गोरक्षा की आशा, जिससे गोरक्षा की आशा, उसकी वाणी से कष्ट हुआ। गो अपराधी फिरते निर्भय, गोरक्षक जेल भोगते हैं। है नम्र निवेदक शासक से, गोरक्षा बिन समृद्धि नहीं। गोरक्षण संवर्धन विकास है, मूल मंत्र भारत माँ का है। केंद्र बिंदु में गाय यही, तो राम राज्य आ जाएगा। अन्यथा राज्य रावण होगा, यह राष्ट्र पतित हो जाएगा। गो माता भारत माता है, ये बात सही है युक्ति युक्त। गोवध भारत माँ की हत्या, इससे शासक हो सावधान। शासक सहृदय है राष्ट्र भक्त, हम विश्वास करते हैं कि माननीय सहृदय राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री श्री मोदी जी निश्चित ही एक विशुद्ध सहृदय राष्ट्रभक्त महानुभाव हैं। शासक सहृदय है राष्ट्रभक्त, विपरीत बुद्धि आई उसमें। गो माता शुद्ध करें बुद्धि, गोवध निषेध कानून बने। गोरक्षण वर्धन राष्ट्र धर्म हो, सुखी निरोगी विकसित हो। भूखा नंगा बेरोजगार ग्रहहीन नहीं हो कोई व्यक्ति। व्यापार चिकित्सा खेती भी गो आधारित सबका विकास हो। साथ सभी का हो विकास, इसका उपाय गोरक्षा है। समस्या नहीं यह समाधान, सबके विकास का मूल मंत्र। गोवध निषेध गो सेवा हो, सच्ची यह स्वर्ण श्रद्धांजलि है। सर्वोपरि भारत की सेवा करने का अवसर यही सही। राणा प्रताप अरुबीर शिवा लक्ष्मी बाई नृप छत्रसाल है। गदेवार श्री गांधी जी नेता सुभाष गोलवाल कर। राष्ट्रभक्त सब क्रांतिवीर, गोरक्षा सबकी श्रद्धांजलि। श्रद्धानंद स्वामी लोकमान्य, गांधी जी पंडित मालवीय। आचार्य विनोबा काले कर, जमुना बजाज गोविंद दास। करपात्री प्रभुदत्त भक्तमाली, हर देव सहाय वीर सावरकर। है सबका शुभ संकल्प यही, गोरक्षक सेवक देश बने। सब देव देव ऋषि मुनि त्रिदेव, बौद्ध भिक्षु अरु तीर्थंकर। दस गुरु सिखों के गोरक्षक, बलिदानी कूकाराम सिंह। आचार्य सभी सब संप्रदाय, गोगा तेजा जी बिग्गा जी। पावजी योगी श्री रतन देव, हरदौल वीर सिंह मधुकर जी। श्री खान सिंह जागीरदार, मंगल पांडे लक्ष्मी बाई। सबकी श्रद्धांजलि गोरक्षा, गोभक्ति के संस्कार जगें। करपात्री जी कृष्ण बोधाश्रम, श्री पुरी शंकराचार्य तीर्थ, श्री स्वामी नरेंद्र देव तीर्थ जी, श्री पोद्दार गिरधर शर्मा, माधवाचार्य अरुनंद लाल,
पंडित जी बाबा ठाकुर दास श्री गुरु गणेश श्री देवदास गो सेवा के संस्कार दिए गो सेवा में जीवन बीता ब्रह्मर्षि देव रहा बाबा जी भारत के सब संत भक्त सबकी श्रद्धांजलि गो रक्षा गो सेवा भारत की समृद्धि 1966 गोपाष्टमी गो भक्त हुतात्मा वीर सभी आया श्रद्धांजलि स्वर्ण वर्ष अर्पित श्रद्धांजलि चरण कमल जब तक गो हिंसा पाप यहाँ तब तक न चैन से बैठेंगे शासक गो सेवक पद पर हो भारतीयता का विकास शासक दल से विनम्र आग्रह गो रक्षा शासक धर्म बने गो चरण धूल सिर धारण कर दिल्ली की कुर्सी अविचल हो गो चरण धूल सिर धारण कर दिल्ली की कुर्सी अविचल हो राजीव नयन राजेंद्र राम है प्रणति आपके चरणों में गोवंश सुखी हो निर्भय हो जन जन गो सेवक पालक हो श्रद्धांजलि है गो भक्त हुतात्मा श्रद्धांजलि यह अति पुनीत पावन अवसर है राष्ट्र प्रणत तव पाद पद्म कुछ अनुचित वाणी निकल गई हो तो सभी भगवत स्वरूप क्षमा करेंगे और हमारी तो एक ही प्रार्थना है कि यह आयोजन और ये श्रद्धांजलि तभी सफल सार्थक होगी कि जब शीघ्रातिशीघ्र गोवंश संरक्षण संवर्धन का कानून बने पूरे देश में गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित हो और हमें ऐसा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े नीतिज्ञ और बड़े कुशल नेतृत्व की क्षमता वाले महानुभाव हैं निश्चित उनके ही प्रधानमंत्रित्व काल में इसी पंचवर्षीय योजना में और गोवध का पूर्ण निषेध होगा श्री राम मंदिर का भी निर्माण होगा श्री गंगा यमुना निर्मल होंगी और भारतीयता भारतीय संस्कृति सुरक्षित होगी इन्हीं शब्दों के साथ सभी को वंदन करते हुए विराम मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने